हे गाइस, तो मेरा नाम आकाश है, जैसे कि आप जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओपन स्टैक के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द ओपन स्टैक, राइट? सो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं आपसे बात कर रहा था ओपन स्टैक के बारे में, ठीक है। ओपन स्टैक क्या है? अगर मैं बात करूं ओपन स्टैक के बारे में, तो ओपन स्टैक मतलब कि हो गया ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, जिसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर अपने फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपके इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से, आप अपने मनी के हिसाब से, ठीक है, आप खरीद सकते हो और यूज कर सकते हो। अब ये क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड मेनली हो गया आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, आप जो रन करवाना चाहते हो, होस्टिंग करवाना चाहते हो, जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है जिसमें आपने लिनक्स इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर यही लिनक्स सिस्टम जिसमें आप अपाचे चला रहे हो या माया एसक्यूएल चला रहे हो या कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, ठीक है, यही सब चीज़ें आप अगर अपने कंप्यूटर से होस्ट करोगे तो आपको दिन रात लग जाएंगे इसको यूज़ करने में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यही सब चीज़ें आप क्लाउड पे यूज़ करो और वहां पर आपको ये सब चीज़ें अपना दिन रात चलाना ना पड़े, ठीक है, बट जो कंपनी है वो दिन रात चला रही है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रहा, आपका इंटरनेट नहीं लग रहा, आपका थोड़ा सा इंटरनेट पे आप होस्टिंग भी ले रहे हो, थोड़े से पे करके आप हर एक चीज़, मतलब आपको कितनी सारी रिसोर्सेज दिए जा रही हैं, ठीक है, आप उसमें हर एक चीज़ें एप्लीकेशन अपनी टेस्ट कर सकते हो, अपनी गेम्स बना बना के टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो ओपन स्टैक में अभी ये चीज़ नहीं आई है कि हम अपना ग्राफिक कार्ड भी अटैच कर सकें, अगर होप सो इन फ्यूचर आ जाए, मैं भी चाहता हूँ कि ये आ जाए, बट AWS में ऐसा है। AWS भी आपका क्लाउड है, ठीक है, और Amazon का क्लाउड है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके बारे में आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियोज़ देख सकते हो मेरी बनाई हुई, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ओपन स्टैक इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है। देखो, ओपन स्टैक मेनली ये हो गया कि इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, इसको एडिट करके अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से इसको एडिट करके, अपने हिसाब से इसको रन करके, ठीक है, अपना खुद का एक क्लाउड सेटअप बना के इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। कोई पे नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस देन आपको जो आपने खुद के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो सेट किया है, जो बनाया है, आप उसका चार्ज ले सकते हो लोगों से, ठीक है, अगर वो आके आपसे सर्विसेज लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर ओपन स्टैक का मतलब ये है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाती हैं, ठीक है, यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो अपने हिसाब से, अपना जैसे कि लाइक आपका लोकल होस्ट आपका कंप्यूटर है, ऐसा ही आप एक कंप्यूटर ले सकते हो क्लाउड में और अपनी होस्टिंग, अपने एप्लीकेशन, अपनी गेम्स एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आप अपने लोकल होस्ट पर करते हो उतनी ही चीज़ें आप क्लाउड पे कर सकते हो। आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप फ़ोन में यूज़ करते हो या कितनी सारी एप्लीकेशंस है जो कि क्लाउड पे चलती हैं, ठीक है, अब हर एक चीज़ों के लिए आप एक खुद का एक कंप्यूटर सेटअप नहीं करके रखोगे, ठीक है, और दिन रात नहीं चलाओगे, और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो ज़्यादातर अब क्लाउड यूज़ कर रही हैं, ठीक है, ताकि उनका पैसे बचे, मनी बचे, ठीक है। सो इतना तो मैंने आपको बता दिया। सो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे ओपन स्टैक में, बट AWS के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर AWS के बारे में आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो मैं अपने क्रेडेंशियल से इसको लॉगिन करता हूँ। सो अगर आप चाहते हो इसको इंस्टॉल करना, ओपन स्टैक रेड हैट के ओपन स्टैक को इंस्टॉल करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाओ, पैकेजेस मिलेंगे, उनकी एक रेपोजिटरी बनाओ और उनको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हो CentOS, ठीक है, तो उसमें भी इसी तरीके से इंस्टॉल करना है, बट अगर आप चाहते हो रेड हैट का ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना और जो ओपन स्टैक का ORG वर्जन है, ठीक है, वो यूज़ करना चाहते हो, तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो मैनुअली के लिए जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी भी वीडियो है, आप देख सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। सो अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे और आप उनको किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरे रेड आकाश है तो मैं अपना
ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पर आपका खुद का यूज़र बनेगा, आप खुद से उसको एडमिन देना चाहते हो, रोल यूज़र रोल, ठीक है। तो आप उसको टेनेंट रोल, जितना भी जो भी आप उस प्रोजेक्ट का जो भी उसको रोल देना चाहते हो यूज़र को, तो आप दे सकते हो। मैंने अपने आपको एडमिन का रोल दिया रखा है, तो यहाँ पर एडमिन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं अपने उसी प्रोजेक्ट का एडमिन हूँ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें अगर आपको और भी डीप जाननी है, तो आप मेरी ओपन स्टैक की प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। बाय वन, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे इंस्टेंसेस के अंदर, जैसे कि मेरे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मेरा इंस्टेंसेस एक चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर काली लिनक्स इंस्टॉल कर रखी है और जो कि अभी शट डाउन है, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, स्टार्ट। इंस्टॉल स्टार्ट करने के बाद अभी ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, रनिंग। बट इसको मेरे जो सिस्टम्स हैं और जो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से मेरे को इसको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पर रनिंग आ गया है, स्टेट रनिंग है इसकी, ठीक है, पावर स्टेट रनिंग है, बट इसको स्टार्ट होने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं क्लाउड की, जो ओपन स्टैक यूज़ कर रही हैं बैकएंड में, उनके जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और बहुत ज़्यादा लाइक उनकी कॉन्फ़िगरेशंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। वो सर्वर बोर्ड्स ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके सिस्टम में जो इंस्टेंसेस लॉन्च होते हैं वो सेकंडों में हो जाते हैं, ठीक है। बट मेरे में यहाँ पर टाइम लगेगा, इसीलिए मैं खुद में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे काली के अंदर और यहाँ से लॉग्स इसके दिख जाएंगे, ठीक है। इसमें आप हर एक चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर में करते हो। ये वही कंप्यूटर है जो कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो बस ये बात होती है कि वो पब्लिकली चल रहा है। यहाँ पर दो तरीके के क्लाउड हैं, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। देखो, पब्लिक क्लाउड वो हो गया जो हर किसी के लिए, प्राइवेट क्लाउड वो है जो आप अपनी कंपनी के लिए ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड आप सबके लिए, हम सबके लिए, ठीक है। बट प्राइवेट सिर्फ ओनली उन लोगों के लिए जिनको वो देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से जाते हैं, ठीक है, न्यू एडवांस्ड कंफर्म, ठीक है, ये अभी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अभी मेरा जो चल रहा है ये ग्रब लोड हो रहा है, ठीक है, और इसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी। तो थोड़ी देर और हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अपनी शेल्स को खुद से मैनेज कर सकते हो, GUI CLI दोनों वर्जन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो चलेगा ये GUI चलेगा और बहुत ही स्लो चलेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्लो है इनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इनको इन इनके लिए अगर आप सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे अगर आपके पास है तो, ठीक है। बट अगर आपके पास नहीं है तो एक नॉर्मल सा VM बना के आप उसमें भी टेस्टिंग कर सकते हो, खुद में पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं ओपन स्टैक के प्लेटफॉर्म बनाने के ऊपर, सेटअप लैब के ऊपर, अगर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर वो आपको चाहिए वीडियो, ठीक है। उसके सेटअप के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि हमको उसके लिए सेटअप किस तरीके से करना होता है और किस तरीके से पढ़ने के लिए हम उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। कमेंट सेक्शन नीचे है, बताओ। और हाँ, इस वीडियो के बाद अब आप एंड में इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, ठीक है। हमेशा आपको यहीं पर ही पता चलेगा आपसे कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, और उस चीज़ के बारे में आप अब इस वीडियो के बाद में देख सकते हो, ठीक है। ये लोड हो जाएगा अभी, ज़्यादा टाइम इसमें तो टाइम ही लगेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो वेट करते हैं जब तक कि मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च हो गई है और चल गई है, ठीक है। लॉन्च क्या, लॉन्च तो पहले ही थी, अब रनिंग हो गई है, ठीक है। पावर स्टेट उसका रनिंग आ गया है बहुत अच्छे से।
जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर ये जीयूआई चल रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर दो टाइप्स के आपको शेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक जीयूआई और एक सीएलआई। सो ये जो है ये जीयूआई बेस्ड है, और यहाँ पर मैं लॉग इन करूँगा रूट और अपना पासवर्ड डालूंगा, और ये बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो इस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। बस ये आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। आप इनसे और भी चीज़ें कर सकते हो, आप अपनी स्टोरेज किसी को दे सकते हो, ठीक है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो किसी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ें आप क्लाउड पे करते हो, और यही चीज़ आप सब चीज़ें पा सकते हो क्लाउड पे, ठीक है। कुछ चार्जेस पे करने के बाद आपको उन चीज़ों का मज़ा उठाने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो काम की लगी, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस और लाऊंगा और ऐसी ही जानकारी मैं हमेशा देता हूँ, ठीक है। बाय बाय। एंड जैसे कि ये चल गया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं क्लाउड पे, और मैं इसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाद में मिलते हैं, और ये चल गई है, ठीक है, और मेरे को इसको बंद करने में भी लग जाएगा टाइम, तो ये चलेगा धीरे धीरे, और बंद करने में मेरे को लगेगा इसको बहुत ज़्यादा वक्त। तो जिस तरीके से चल भी गई है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कितना स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैंने 2 बार बोल चुका हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।